वेलकम टू करियर कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी पत्र लेखन इसके बारे में सीखेंगे। ये जो पत्र लेखन है, कक्षा आठवीं, कक्षा नौवीं, कक्षा दसवीं और कॉलेज में पढ़ने वाले कक्षा बारहवीं और कक्षा ग्यारहवीं, इन सभी के काम आएगा। और पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, आज हम उसका तरीका भी सीखेंगे, क्योंकि पत्र लेखन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जो आज हम यहाँ पे देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले पत्र के भेद, पत्र के दो भेद हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र। ज़्यादा करके एग्ज़ाम में औपचारिक पत्र ही अटेम्प्ट करने का। पहला देखो, औपचारिक पत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र आते हैं। जैसे हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं, कोई चीज़ ख़राब है, शिकायत वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। फिर दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसके अंतर्गत मित्र, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र सम्मिलित जाते हैं, यानी इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र। तो चलो हम पत्र का नमूना देखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। और बच्चों, पत्र लेखन लिखने से पहले आप लोग प्रश्न जो है दो बार या तीन बार पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि एड्रेस कैसा दिया हुआ है और किस तरीके से हमें पत्र लिखना है और कौन सा इसके लिए विषय दिया गया है। चलो देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी का उपयोग कर पत्र लिखिए। प्रबंधक, मार्केटिंग विभाग, विश्व आयुर्वेद संस्थान हरिद्वार को विजय या विजया सिंह पत्र लिखकर आवश्यक सामग्रियां मंगवाती हूँ। अब यहाँ पे देखो, आयुर्वेद दिया हुआ है। ये जो पत्र लिखा जा रहा है यह आयुर्वेद सामग्री मंगाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान में रखो कि आप लोगों को पत्र की शुरुआत दिनांक से करनी है। तो आप लोग जो भी चीज़ लिखते हो वो एक सीधी लाइन में आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में, जरा भी आगे पीछे नहीं। और आप लोगों को फुल स्टॉप और कॉमा, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे नंबर कट भी होते हैं अगर आप लोग अच्छे से नहीं लिखोगे तो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। दिनांक 30 सितंबर 2020। हम लोग जो महीना लिखते हैं वो जो महीना है अक्षरों में लिखने का, नंबर में नहीं। फिर एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखोगे प्रति। प्रति मतलब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको हम कहते हैं प्रति। फिर यहाँ पे दिया है कॉमा। फिर सम्माननीय प्रबंधक, क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें दी रहती है, एड्रेस वगैरह दिया है। मार्केटिंग विभाग, विश्व आयुर्वेद संस्थान हरिद्वार। फिर आप लोगों को एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ के आप लोगों को लिखना है विषय। आवश्यक सामग्री मंगवाने हेतु। बच्चों, विषय भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको विषय भी वहीं पे मिल जाएगा। आवश्यक सामग्री मंगवाने हेतु, जरूरत की चीज़ें मंगवाने के लिए।
फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, फिर लिखोगे कॉमा, फिर अपना पत्र शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं विजय सिंह, अगर प्रश्न में आपको नाम नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे अ ब क, लेकिन यहाँ पे पत्र में नाम दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं विजय सिंह जलगांव यहाँ का रहीवासी हूँ, मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ, मैं अपने घर के लिए आवश्यक सामग्री आपके यहाँ से ही मंगवाता हूँ, आपके यहाँ की सामग्री की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत के अनुसार आवश्यक सामग्रियाँ आपके यहाँ से मंगवाने के लिए यह पत्र लिखा है। सामग्रियाँ का विवरण निम्नलिखित है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स बना के दिया गया हुआ है, ये पूरा बॉक्स है, ओके, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, ओके। यहाँ पे आप लोग स्केल का इस्तेमाल करने का, और बॉक्स भी जो है आप लोग पेन से बनाओगे, ओके। देखो यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है पूरा इस तरीके से, ओके। तो पहले लिखा है क्रमांक, फिर लिखा है सामग्री, फिर लिखा है मात्रा। तो सामग्री क्या क्या चीज़ें देखते हैं, पहला पाचक चूर्ण आधा किलो, दंत मंजन 200 ग्राम, तीसरा केश तेल 12 शीशी, ओके। अब यहाँ पे हमारा ये चौखट पूरा हो गया, फिर इसके बाद लिखना है आप लोग को एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखोगे मैं इस सूची के साथ सामग्रियों की कुल कीमत भेज रहा हूँ, यदि आप सामग्रियों पर कुछ छूट देते हैं तो छूट के पैसे सामग्रियों के साथ भेज दीजिएगा, आशा है आप सामग्रियाँ जल्द से जल्द भेजने की कृपा करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे भवदीय, हमेशा लेटर के लास्ट में लिखा जाता है भवदीय, लिखने वाला कौन है, विजय, भवदीय के यहाँ पे कॉमा दिया है। फिर एक लाइन छोड़ के जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, विजय सिंह दीपायन जलगांव। फिर एक लाइन छोड़ के आप लोग को ईमेल आईडी लिखना है, अगर अब का दिया है तो ईमेल आईडी यहाँ पे छुपाई जाती है, ऑलरेडी नाम दिया गया है विजय, तो विजय एट द रेट ऑफ xyz.com। तो बच्चों हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट लेटर कंप्लीट हुआ, अब हम सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर से दो लेटर और देखेंगे, ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पे दूसरा पत्र लेखन देखते हैं, पहला हो चुका है हमारा। मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप लोग जो हैं प्रश्न को एक दो बार पढ़ो और उसमें क्या लिखा है उसको समझो, एड्रेस किसका है, किसको भेजना है, कौन लिख रहा है, सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित सूचना के आधार पर पत्र तैयार करें। पहले बॉक्स में दिया है शिकायतकर्ता, मतलब जो पत्र लिख रहा है, देवेंद्र शर्मा रूम नंबर 10 श्री सेवा सदन वर्ली मुंबई, और उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो कौन है, मनपा विभाग, उसका पता भी यहाँ पे दिया है मुंबई महानगर पालिका सयानी रोड मुंबई। और यह पत्र क्यों लिखा जा रहा है, यह एक विनंती पत्र, यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, सूखे व घातक वृक्ष को कटवाने हेतु, एक पेड़ है जो सूख गया है वो कभी भी गिर सकता है, धोखादायक है, उसको कटवाने के लिए यह पत्र लिखा जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जिसको पत्र लिखा जा रहा है
उसका एड्रेस आप लोग लिखोगे और एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, और उसके बाद जो पत्र लिख रहा है लास्ट में उसका पता आएगा और विषय भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो चलो हम लोग पत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिनांक 29 सितंबर 2020, और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता यानी प्रति, फिर लिखा है कॉमा, मुंबई महानगर पालिका सयानी रोड मुंबई। देखो यहाँ पे कॉमा दिया है, यहाँ पे कॉमा दिया है, ओके, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी गई है। फिर यहाँ पे लिखा है विषय, सूखे व घातक वृक्ष को कटवाने हेतु विनंती। मैंने बताया था आप लोग को विषय भी आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, फिर दिया है कॉमा, फिर स्टार्ट करोगे आप लोग। हमारे परिसर के गेट के पास एक बड़ा वृक्ष है जो कई महीनों से सूखा पड़ा है, उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। जर्जर मतलब होता है एकदम पुराना, एकदम जूना, एकदम गिरने के जैसा, उसको बोलते हैं जर्जर। वह कभी भी गिर सकता है। कल रात को तेज हवा के झोंके से उस वृक्ष की एक डाल टूटकर नीचे गिर गई। परिसर के एक व्यक्ति ने डाल गिरते हुए देख ली थी, इसलिए वह सही समय पर वहां से हट गया और उसकी जान बच गई। इस तरह के अन्य हादसे होने से रोकने के लिए इस घातक वृक्ष को काट देना आवश्यक है। फिर यहाँ पे एक लाइन, जब भी आप लोग पैरा चेंज करते हो तो आप लोगों को एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखोगे, अतः मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस सूखे घातक वृक्ष को कटवा दे। फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, फिर भवदीय, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम देवेंद्र, फिर उसके बाद जिस जो लेटर लिख रहा है उसका पता एक लाइन छोड़ के, देवेंद्र शर्मा, रूम नंबर 10, श्री सेवा सदन, वर्ली मुंबई। फिर उसके बाद ईमेल आईडी एक लाइन छोड़ के, devendra@xyz.com। तो बच्चों अब यहाँ पे हम तीसरा पत्र लेखन करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पत्र लेखन का जो प्रश्न है उसको एक से दो बार पढ़ने का, रीड करने का। आप लोग अगर एक दो बार रीड करोगे तो आपको विषय भी समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी का उपयोग कर पत्र तैयार कीजिए। पहले बॉक्स में क्या दिया है देखो, मंडल आयुक्त जोन 2 महानगर पालिका ठाकुरली ठाणे पश्चिम। हम जिसको पत्र लिख रहे हैं पहला उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, फिर जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस जो है ये वाले बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है राकेश जाधव, C44 जनता रहिवासी संघ कार्यालय अशोक भवन ठाणे। अब यह पत्र क्यों लिखा जा रहा है उसका जो विषय है ये बीच वाले बॉक्स में दिया गया है। क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत, एरिया में गंदगी फैली हुई है उसकी शिकायत करने के लिए जो महानगर पालिका है उसको ये पत्र लिखा जा रहा है। तो हम लोग चलो पत्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिनांक लिखना है। क्या लिखना है? दिनांक। दिनांक दिया है 3 अक्टूबर 2020। मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ये जो महीना है, महीना कभी भी नंबर में नहीं लिखा जाता, अक्षरों में लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना है यहां पे, और यहां पे लिखना है प्रति। क्या लिखना है? प्रति, प्रति। फिर उसके बाद माननीय मंडल आयुक्त जोन 2 महानगर पालिका ठाकुरली ठाणे पश्चिम।
देखो आप लोगों को एक बात याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे कॉमा दिया गया है, वो बातें ध्यान में रखो, ओके। और कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो आपके नंबर यहाँ पे कट होएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है विषय। विषय आपको प्रश्न में ही दिया गया था, क्षेत्र में सफाई नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत, एरिया में सफाई नहीं की जा रही है, इसके लिए एक शिकायत पत्र लिखा जा रहा है। फिर एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखोगे महोदय, फिर हमारे पत्र की शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में काफ़ी पानी भर गया था, हमारा क्षेत्र सबसे निचले हिस्से में होने से सभी जगहों से कचरा बहकर हमारे परिसर में एकत्रित हो गया है, जिसके कारण मच्छर बढ़ गए हैं और बदबू भी आ रही है। दो दिनों से इस गंदगी को साफ करने के लिए आपके यहाँ से कोई कर्मचारी नहीं आया। यदि इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो बीमारी फैलने की आशंका है। फिर एक लाइन छोड़ना है पैरा चेंज करते समय, और एक चीज़ याद रखो कि सारी चीज़ें सीधे लाइन में आनी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में फैली इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ करवाएं और हमारे क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं। फिर धन्यवाद, फिर भवदीय, भवदीय मतलब जो लिख रहा है वो कौन है, राकेश। फिर एक लाइन छोड़ के जो पत्र लिख रहा है उसका पता राकेश जाधव, C44, जनता रहिवासी संघ कार्यालय, अशोक भवन, ठाणे। फिर एक लाइन छोड़ के आप लोगों को लिखना है ईमेल आईडी rakesh@xyz.com। बच्चों मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी पत्र की शुरुआत करते हो और पत्र का अंत करते हो, उससे पहले आप लोग एक बार सारी चीज़ें चेक कर लो कि कहाँ कहाँ पे आप बच्चों ने फुल स्टॉप दिया है, कॉमा लगाया है, कहीं भूल तो नहीं गए हो। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो।